मजदूरों की पलायन की तस्वीर अभी तक तो दिल्ली और यूपी बिहार से आपने देखी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मजदूर पलायन करके अपने अपने गांवों की ओर जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली और यूपी की तरह यहां पे ज्यादा भीड़भाड़ तो नहीं दिखेगी, लेकिन तकलीफ इनकी भी वही है क्योंकि काम धंधे बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। ऐसे में ये तमाम लोग अब यहां से पलायन कर रहे हैं अपने अपने गांव की तरफ। हाजी भैया, कहां जा रहे हो आप? हम लोग जाएंगे सिवनी जिला। सिवनी जिला जाओगे? हाँ। कितने दूर पड़ता भोपाल से? 350 करीब। अच्छा, तो कब तक पहुंच पाओगे इस हिसाब से? इस हिसाब से तो एक दो हफ्ते लग जाएंगे। दो हफ्ते लग जाएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं रुक रहे भोपाल में? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर, खाने पीने का हर चीज महंगा दे रहे हैं। सरकार तरफ से भी कोई योजना नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। कितने लोग जा रहे हो आप लोग? कम से कम 40 लोग हैं सर। 40 लोग और भी कई लोग हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इतनी भीषण गर्मी में बच्ची को सर पे लेकर के अपने साथ ये जा रहे हैं और पूरा सामान इनके साथ, इनकी गृहस्थी का जो ये लेकर के रवाना हुए हैं, खाने का थोड़ा बहुत सामान जो इन्होंने रखा हुआ है। इनसे हम जानते हैं, कहाँ जा रहे हो आप? डिंडोरी। डिंडोरी तो बहुत दूर है यहाँ से, 450 किलोमीटर है करीब जी। अच्छा, तो ऐसे ही पैदल जाओगे? अब कुछ वाहन मिले तो करवा देते तो सही रहता। तो क्या यहाँ कहाँ काम करते थे? RKDS कॉलेज में। अच्छा, तो अभी क्या बंद पड़ा है वो? बंद पड़ा है। तो अब कब तक पहुँच पाओगे इस हिसाब से? क्या बताएं साहब, अब यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी भोपाल में? अब कुछ नहीं, काम धाम कुछ नहीं लग रहा, खाने की भी लिए नहीं है। ये बच्ची को ऐसे ही लेकर के जाओगे वहाँ तक? जाना ही पड़ेगा सर। अब ये देख सकते हैं, ये व्यथा है इन मजदूरों की, बेचारों की, क्योंकि समस्या अब ये है कि लॉकडाउन के चलते जहाँ पे ये काम करते थे वो तमाम उद्योग धंधे संस्थान वो सब बंद पड़े हैं। तो ऐसे में भोपाल में इनको ना रहने की जगह मिल पा रही है क्योंकि किराया देना पड़ेगा, खाने के लिए तमाम दुकानें बंद हैं। तो प्रशासन भले ही दावा कर रहा हो अपनी तरफ से कि इंतजाम पूरे किए गए हैं लॉकडाउन को देखते हुए, लेकिन इन तस्वीरों को देख के ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन अब आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मजदूरों के पलायन की तस्वीर दिल्ली यूपी जैसे बड़े राज्यों से बाहर निकल के अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां भोपाल में हमने देखा कि 500 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करने के लिए मजदूर अब भोपाल से निकल चुके हैं। वो अपने घर गांव तक कब पहुंचेंगे ये खुद उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर यूं चलना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि लॉकडाउन को जब लागू तो किया गया, लेकिन लागू करने के बाद शायद ये प्रशासन ने सोचा होगा कि ये तस्वीर भी उनके सामने आएगी। कैमरामैन साजिद आलम के साथ दवीश पाल सिंह, भोपाल।